अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम नमस्कार आइए हम बात करते हैं जो बीजेपी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लाभ सिंह अहमद पर है, उनसे बातचीत करते हैं कि पहले कौन सी पार्टी में थे और अब कौन सी पार्टी में है। या आइए हम आपको ले चलते हैं लाभ सिंह जिला अध्यक्ष मोर्चा से हम बात करेंगे। लाभ सिंह जी क्या बताएंगे, पहले कौन सी पार्टी में थे और अब कौन सी पार्टी में आपने चली? मैं पहले हरियाणा विकास पार्टी में था जी और अब मैं भारतीय जनता पार्टी में। सर बीजेपी पार्टी बनने से आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा मेरे को, बहुत बढ़िया सफर रहा मेरा। पहले मैं मंडल अध्यक्ष था और कृष्ण राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जी ने मेरे को जिले की टीम में भेजा। जिले की टीम में भेजने की बात, जैसे आपके यहाँ पार्टिसिपेंट में नौकरी दी जा रही है, क्या पार्टिसिपेंट नौकरी में आपकी सरकार कामयाब हो पाएगी? हाँ 100% कामयाब हो। जैसे बच्चा पढ़ा लिखा है नौकरी लेगा, यहाँ कोई ना किसी की सिफारिश चलती है ना कोई पैसा लगता है किसी से। मतलब जो बीजेपी सरकार का सफर रहा था बहुत अच्छा सफर है, 10-11 साल से आप बीजेपी में जुड़े हुए और आएगा ये 2009 का इलेक्शन आएगा जो इसके बारे में क्या बोलेंगे, क्या रहेगी आपकी रणनीति, आपकी बीजेपी सरकार आ जाएगी? मैं ये दावे के साथ कहता हूँ 2019 में बीजेपी की सरकार आएगी। ईमानदार पीएम है और अपने मंत्री जी ईमानदार है। जैसे आपका सफर चलता चलता जाएगा अगर आपकी पार्टी आ जाती तो क्या आपको इसके उस पार्टी में जो किसान मोर्चा जो अध्यक्ष हो आप, इसके अलावा आपको कोई पद भी मिलने के आसान है जो जैसे आप काम कर रहे हो? हाँ जी अभी मंत्री जी ने पता है सारा कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। ऐसी क्या खास बात है बीजेपी पार्टी में जो आप इतने पार्टी के काम कर रहे हो? ईमानदार पार्टी है, बढ़िया कैसा बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। गाँव में जाकर देखो आप, शहर में जाकर देखो, बहुत बढ़िया पूर्ण देखो जाके गलियाँ नालियाँ बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, विकास में कोई कमी नहीं है। जो समाधान राज्य मंत्री एवं विधायक कृष्ण देवी जी हैं वो अच्छे अपने हल्के में अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ जी आप बहुत बढ़िया अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या संदेश रहेगा आपकी पार्टी को जोड़ने के लिए? अभी पार्टी कैसी है कैसे नहीं पब्लिक को पता है, सारा पब्लिक देख रही है, विकास देख रही है, बाकी नौकरियाँ देख लो आधार आधार योगदा के आधार पर नौकरी मिलती है, बच्चे खुश हैं इसमें, कोई किसी की सिफारिश नहीं है, कोई किसी का पैसा नहीं लगता। देखिए अभी जो बीजेपी के किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष लाभ सिंह अंतर पर हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि राज्य मंत्री कृष्ण बेदी और विधायक साहबाद के हैं जो कृष्ण बेदी जी, उन्होंने कई विकास कार्यों को उन्होंने बताया कि उनका पहले जो दूसरी पार्टी में थे और अब जब बीजेपी पार्टी में है इनका सफर बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एक ईमानदार है, 2019 का चुनाव होगा जो हमारी पार्टी जोर शोर से दोबारा फिर सत्ता में आएगी। ये लाभ सिंह जी का दावा है कि हमारी 2019 में पार्टी सत्ता में आएगी। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रदीप कुरुक्षेत्र।